सब्सक्राइब कीजिए सेविसर एकेडमी को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट्स। दोस्तों, सबसे पहले मैं सब्सक्राइबर्स, इन्वेस्टर्स और मेंबर्स को धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि वो उनका कहीं ना कहीं बहुत बड़ी भूमिका भी है। दोस्तों, आप सभी सब्सक्राइबर हमें ज्वाइन किए हैं, हम चाहते हैं कि आपको अच्छा नॉलेज मिले, मार्केट से संबंधित अच्छा नॉलेज मिले और उसी के साथ साथ आपको एक सही मार्गदर्शन मिले इन द एरिया ऑफ इन्वेस्टमेंट में। तो मैं सब्सक्राइबर्स को, इन्वेस्टर्स को, मेंबर्स को इसलिए धन्यवाद दे रहा हूँ दोस्तों, कि यही लोग मुझे याद दिलाए कि पीडी लाइट आप आज से 3 महीने पहले जो वीडियो बनाया था वो उसमें हमें देखिए 10% से ऊपर मिल रहा है, प्लस हमारा रेट ऑफ रिटर्न। तो मैंने कहा चलिए जरा हम भी देखते हैं ध्यान से। तो मैंने भी देखा, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, ये तो 14% एंड अबव रिटर्न दे रहा है। इस 3 महीने में दोस्तों आप ये देखिए खूबी पीडी लाइट इंडस्ट्री का, कि पिछले 3 महीने में इसने 14% रेट ऑफ रिटर्न दे दिया है। मैंने पहला वीडियो पार्ट वन जो बनाया था दोस्तों 12 जून 2021 के दिन बनाया था, और उस समय इसका भाव चल रहा था 2116 रुपीज का। और अभी देखिए दोस्तों पीडी लाइट का क्लोजिंग 1st of October 2417.25 एज ऑन 1st October 2021। और मार्केट कैपिटलाइजेशन भी देखिए दोस्तों 1,22,833 करोड़। केमिकल सेक्टर का सबसे वन ऑफ द, मैं कहूँगा कि स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया ऑफ कंपनीज, फेबी, फेविक्विक, फेविकॉल, डॉक्टर फिक्सिट, ये सब इसके ब्रांड है दोस्तों पीडी लाइट के। पीडी लाइट जो मार्केटिंग करते हैं वो फेविकॉल से और उससे सारे संबंधित जो स्पेशलिटी केमिकल से भी रिलेटेड इनका काम विषय है पीडी लाइट का। तो मैंने ये ऑब्जर्व किया दोस्तों कि इस दौरान देखिए मार्केट भी पिछले वीक आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से काफ़ी नेगेटिव रहा, 500, 1000 पॉइंट डाउन फिर उस तरह से। और आप ये भी देखिए दोस्तों कि सेंसेक्स फ्राइडे के दिन 360.78 पॉइंट डाउन था, लेकिन पीडी लाइट देखिए 1.48% अप था। तो यही खूबी है, और इसी पॉइंट से मैंने फर्स्ट वीडियो आप जरूर देखिएगा दोस्तों, वहां पर मैंने स्पेशली कहा है कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। और जो लोग इन्वेस्ट किए, जिन्होंने रिटर्न पाए, जो हमारे इन्वेस्टर्स, सब्सक्राइबर, मेंबर्स, वो मुझे याद दिलाए कि आप इस पर वीडियो दोबारा बनाइए, तो इसीलिए मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ दोस्तों। तो इसमें आपका भी साथ सहयोग है, हम तो कई कार्यों में व्यस्त रहते हैं दोस्तों, कि कंपनी के एनालिसिस में रहते हैं, नई नई कंपनियां जो आ रही हैं, बहुत सारी बातें हैं, आईपीओ के बारे में भी देखना, कई कंपनियों का हमारे पास पेंडिंग है, कई कंपनियों का एनालिसिस है, बहुत सारी बातें आ जाती हैं। इससे सभी पे जगह ध्यान दे पाना भी, अब वो है कि भाई चलो मैन पावर है, साथ में काम है, टीम वर्क है, सब हो रहा है, बस आप ध्यान देते हैं, इसकी मैं प्रशंसा जरूर करूंगा, उसके लिए फिर से धन्यवाद। चलिए, अब आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं कि ये 14% जो एप्रिसिएशन इसने 3 मंथ्स में दिया है, तो ये मैं क्या अब कहना चाहता हूं इसके बारे में, वो इंपॉर्टेंट है। पीडी लाइट वो कंपनी है दोस्तों जो स्लो ग्रोथ करता है मार्केट में। अगर आप पिछले 1 साल में भी देखिए इसे, या उससे पहला पुराना ट्रैक रिकॉर्ड भी हम देखते हैं, ये स्लोली प्रोग्रेस करता है कंपनी शेयर्स प्राइस में, स्लोली गिरता भी है थोड़े देर समय बाद, नीचे भी आता है, फिर नीचे आने के बाद फिर से ये, यानी ये इस तरह से करता है कि अगर वो 1 कदम पीछे गया तो 2 कदम आगे जाता है। ये खूबी पीडी लाइट के शेयर प्राइस की बात बता रहा हूँ दोस्तों, और ख़ास करके मैं इसे रिकमेंड कर रहा हूँ दोस्तों कि आपको लॉन्ग टर्म में पीडी लाइट इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करना चाहिए। जो हमारे अभी नए सब्सक्राइबर हुए हैं और इस गिरते हुए मार्केट में भी दोस्तों जो मजबूती के साथ रहे या चले, वो सबसे प्लस पॉइंट वाला स्टॉक होता है, जिसमें पीडी लाइट एक और कंपनी है जो आगे के रूप में मैं देख रहा हूँ कि इसमें और भी आगे प्रगति है दोस्तों। तो मैं इतना कह सकता हूँ कॉन्फिडेंटली कि आप इस शेयर्स में जैसे जैसे छोटी मोटी कभी गिरावट आए तो इस शेयर्स को ऐड जरूर करिए, यानी बाय करते रहिए, और अपने पोर्टफोलियो में भी फ्यूचर प्लान में ऐड करिए। बस इसीलिए आपका ध्यान आकर्षित किया दोस्तों कि आप पीडी लाइट में एक प्लान करिए,
कि इसमें भी आपके स्टॉक में मतलब आपके पोर्टफोलियो में भी एक शेयर होना चाहिए, लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेशली मैं बोल रहा हूँ। और जब मैं लॉन्ग टर्म की बात करता हूँ दोस्तों, पहले ये शब्दों पे विशेष ध्यान हो, लॉन्ग टर्म की जब मैं बात करता हूँ तो वो 2 साल 3 साल से ज़्यादा वाली बात होती है। नॉर्मली जब हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो 2 साल या उससे ज़्यादा, अब वो 2 साल भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 10 साल भी हो सकता है। तो ऐसे पॉइंट पर इसलिए लॉन्ग टर्म को मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ कि जब कोई स्टॉक में आप 2-3 साल का प्रोविजन करके इन्वेस्ट करें तो ये उसमें नाम जोड़ा जा सकता है पीडीलाइट इंडस्ट्रीज का। बस यही कहना था दोस्तों। और जब भी मार्केट में कुछ नेगेटिव पॉइंट या क्रैशिंग मोमेंट आए तो हमारा भी एक अच्छा एक सिक्योर्ड एरिया ऑफ इन्वेस्टमेंट होना चाहिए दोस्तों, जिससे हमें पीस ऑफ माइंड रहे आफ्टर इन्वेस्टमेंट। तो मैं दिल से यही कहूंगा दोस्तों कि आप गोल्डन स्टॉक हमारा जो सर्विस है, स्पेशली इसी एनालिसिस पॉइंट पर कि अगर मार्केट फ्यूचर में गिरता भी है तो हमारे वो शेयर्स मजबूत रहेंगे। तो गिरते हुए मार्केट में भी हो सकता है और वो मजबूती में आगे आए और प्लस उसमें आपको एक अच्छा ग्रोथ मिले। और हमारे गोल्डन स्टॉक की खूबी यही रहा है दोस्तों कि एनुअल जो रेट ऑफ रिटर्न है इट इज़ मोर देन 45% और यहाँ तक कि 70-80% रिटर्न दिया है। इससे गोल्डन स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए दोस्तों। इस गोल्डन स्टॉक के सर्विस के बारे में आप जानकारी लीजिए, व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए और इसके बारे में जानकारी लेने के साथ साथ इसमें आप इन्वेस्ट करिए दोस्तों। ये मैं पर्सनली आपको एडवाइस कर रहा हूँ। अगर कोई बड़ी रकम या किसी भी पैमाने पर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो गोल्डन स्टॉक इज़ द बेस्ट, बस यही कहूँगा। और बाकी दोस्तों आप तो सभी जानते ही हैं कि हमारे और भी कई सर्विसेज हैं, मेंबरशिप का है, और जो बड़े पैमाने में रेगुलर इनकम कमाना चाहते हैं उसके लिए रिस्क एपिटाइट ग्रुप हमारा चल रहा है, और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस भी हमारा कार्यरत है, और उससे भी जो और बड़े पैमाने में कुछ करना चाहते हैं तो मल्टीबैगर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस भी कार्यरत है। और यही सब सर्विसेज हैं दोस्तों। और जो रेगुलर एक रिकरिंग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं मंथली, उनके लिए हमारा बेस्ट SIP भी कार्य कर रहा है बखूबी। और चलते चलते एक वाक्य जरूर कहूँगा दोस्तों, अगर मार्केट में अपने विश्वास और मनोबल को ऊंचा करना है तो पहले आप अपने आप को और एजुकेट करिए दोस्तों, और उसके लिए आपको सीखना चाहिए फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस। और इस कोर्स के लिए दोस्तों मैं चाहता हूँ आप ये सीखें जाने, जिसका मैं ऑलरेडी वीडियो लिंक बना चुका हूँ। और मैं आज डिक्लेयर कर रहा हूँ दोस्तों कि मेरा ये जो 50% डिस्काउंट स्पेशली फॉर जस्ट फंडामेंटल एनालिसिस के लिए और टेक्निकल एनालिसिस कोर्स के लिए जो 50% डिस्काउंट है वो 31 दिसंबर 2021 तक रहेगा। नोट इट, 31 दिसंबर 2021 तक आपको फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स और टेक्निकल एनालिसिस कोर्स में 50% डिस्काउंट लागू रहेगा। चलिए फिर मिलते हैं।